हमारी आ चुकी है इलेक्ट्रॉनिक वाली बस। काफी देर से हम वेट कर रहे थे गाइस। अभी हम हैं चार बाग में और पता करेंगे कि इस इलेक्ट्रॉनिक बस से हमको अगर लुल्लू मॉल जाना है तो कितना यहाँ पे किराया लग जाएगा। बहुत सारे लोग को मन में डाउट रहता है कि बहुत ज़्यादा लगेगा, तो वही सब चीज़ आज क्लियर करेंगे कि अगर चार बाग से हमको जाना है लुल्लू मॉल तो कितना भाड़ा लग जाएगा। सो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, वही आज आपको हम दिखाने वाले हैं। गाइस अभी हम अंदर बैठ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा यार ठंडी लग रही है इसमें तो यार। अभी हमारे सामने भैया खड़े हैं, वो काटेंगे हमारी टिकट। तो गाइस आप लोग को हम बताएंगे कितने की टिकट है। हम आपको बता दें कि इस बस में पहले से कोई भी टिकट नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि अगर आप जब बस में बैठेंगे तुरंत ही आपका टिकट बन जाएगा जहाँ की भी जाना हो। ये बस सिर्फ सिटी में ही चलती है। ये लोग जो अभी उतरे हैं, ये लोग का बस स्टॉप आ चुका था तो ये लोग उतर गए, लेकिन हम लोग को आज जाना है लुल्लू मॉल चार बाग से। तो हम लोग वहाँ का आज भाड़ा जानेंगे कि कितना लगता है चार बाग से लुल्लू मॉल का, तो वही आज जाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमारा टिकट कटा नहीं है, कट जाता है तो बताते हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है हम यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक वाला जो बस था वो पे यहाँ पे रुक गया था। ये है एमएमओ चौराहा और इधर से हमको जाना है लुल्लू मॉल। तो यहाँ से लगभग डिस्टेंस इसका हो सकता है 1.5 किलोमीटर। तो यहाँ से हम चलेंगे लुल्लू मॉल, 5 रुपये या 10 रुपये भाड़ा होगा, देखते हैं कितना होता है। और अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक बस की तो वो चार बाग से हम आए थे लुल्लू मॉल की तरफ, तो वहाँ का भाड़ा था 22 रुपये। मतलब 22 रुपये में आपको 10 किलोमीटर चलाएगा। 10 किलोमीटर आने के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं, अभी 1.5 किलोमीटर बाकी है लुल्लू मॉल जाने का। तो ये रास्ता आप लोग पहचान लीजिए, अगर किसी को जाना है लुल्लू मॉल तो ये रास्ता चला जाएगा। 5 रुपये लगेगा आपका या 10 रुपये। तो गाइस अभी हम चढ़ चुके हैं लोकल बस में, जो कि अभी हमको 1.5 किलोमीटर अभी और चलना है। 1.5 किलोमीटर यहाँ से अभी हम लुल्लू मॉल जाना है, तो लुल्लू मॉल के लिए अभी हमको 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और 1.5 किलोमीटर चलने के बाद तब आ जाएगा हमारा लुल्लू मॉल। जैसे हमने चार बाग से चला तो 10 किलोमीटर के बाद हमको 22 रुपये का भाड़ा देना पड़ा इलेक्ट्रॉनिक बस से। अगर आप टोटो से आएंगे तो आपको समझ लो मैक्सिमम आपको 30 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक बस मिल जाता है, जल्दी मिलता नहीं, अगर मिल जाएगा तो आपको 20-22 रुपये में ही आपको पहुँचा देंगे। और इससे देखते हैं कितना टाइम लगता है। इससे गाइस आपको 5 रुपये यहाँ से यहाँ तक देना पड़ेगा, तो 5 रुपये या 10 रुपये में हो जाएगा। अगर आपको बस मिल जाता है तो 5 रुपये में काम हो जाएगा, अगर ऑटो आएगा तो आपको 10 रुपये में देना पड़ेगा। सामने आपको दिख रहा है लुल्लू मॉल। तो गाइस हमारा बस ये चला गया है और हम चलते हैं लुल्लू मॉल की तरफ। लुल्लू मॉल में हम एंटर कर चुके हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। काम करें, एंजॉय।